हमारे महिला टीम के द्वारा ये बताया गया कि ये गुड टच बैड टच है। हाँ, ये प्लान्ड अंडरकवर ऑपरेशन नहीं था, ये हमारा रूटीन का ऑपरेशन था। महिला सुरक्षा के लिहाज से जो भी इंतजाम किए जाने चाहिए वो हमारी तरफ से किए जाते हैं। पूरे देश की नजर उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है और उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर आगरा लगातार सुर्खियों में रहता है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की भी नजर लगातार ताज नगरी पर बनी रहती है और यहाँ पर पिछले कुछ समय से महिलाओं के ऊपर कुछ ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो लगातार सुर्खियां बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पिछले कुछ समय से एसीपी सुकन्या शर्मा महिला सुरक्षा को लेकर सारे इंतजाम देख रही हैं और पुलिस कमिश्नरी की महिला सुरक्षा को लेकर बागडोर संभाल रही है। हमारे साथ हैं सुकन्या शर्मा जो पिछले कुछ समय से लगातार निगरानी कर रही है महिला सुरक्षा और युवतियों को लेकर और खुद कभी कभार सिविल ड्रेस में भी ऑटो में सवार होती दिखाई देती है। सीधे उनसे बात करते हैं। मैम, लगातार आगरा के अंदर महिला सुरक्षा के ऊपर सवाल होते खड़ाई देती है, आप लगातार मेहनत करती है, चाहे वो खंदौली का मामला हो, चाहे पुलिस कर्मियों के यौन उत्पीड़न का मामला हो या कोई बच्ची के साथ रेप का मामला हो, लेकिन लगातार मामले बढ़ रहे हैं, प्रयास कर रही है पुलिस, आखिर कमी कहाँ रह गई? हमारी तरफ से महिला सुरक्षा के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं, जैसे कमिश्नरेट आगरा में टोटल 44 एंटी रोमियो की टीम है, हमारे यहाँ भी 123 महिला बीट पुलिस अधिकारी तैनात की गई है। तो महिला सुरक्षा के लिहाज से जो भी इंतजाम किए जाने चाहिए वो हमारी तरफ से किए जाते हैं, लेकिन अपराध को हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि इनिशियल स्टेज में उसे टैकल करके ना बढ़ने दिया जाए। लेकिन अभी पिछले दो दिन पहले आपने सिविल ड्रेस में भी आपने रात को एक इनोसेंट के रूप में सर्वे किया और देखा भी, तो क्या आपको उसमें निकल कर आया? कमिश्नरेट आगरा में सीपी सर के निर्देशन में हम विमेन सेफ जोन्स बना रहे हैं। विमेन सेफ जोन्स का पर्पस ये है कि आगरा में ऑटो, ई रिक्शा और ऐसे एरियाज को हमें चिन्हित करना है जहां अगर महिलाएं जाएं तो उन्हें सुरक्षित महसूस हो, वहां उन्हें पता चले कि अगर उस एरिया से वो निकल रही हैं तो सीसीटीवी कैमरा और प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था हो। इसके साथ ही जिस कन्वेंस को वो ले रही हैं वहां से जाने के लिए उसमें भी उन्हें सुरक्षित महसूस हो, इसी के तहत हमने रात में अंडरकवर ऑपरेशन किया था जिसमें एक ऑटो राइड मैंने ली थी। ऑटो चालकों का कमिश्नरेट में विमेन सेफ्टी टीम के द्वारा सत्यापन किया जा रहा है। तो ऑटो चालक से इस सत्यापन के बारे में मैंने पूछा कि उनको जानकारी है या नहीं और उनका सत्यापन पुलिस ने कराया है तो उसमें क्या क्या चीजें उनसे ली गई। अब हम देखने में आता है कि जो विदेशी पर्यटक महिलाएं पर्यटक भी उसमें शामिल होती हैं, कई बार अव्यवहार भी करती हैं महिलाओं के साथ में, उनका सामान भी छूट जाता है। एसीपी सैयद अरीब इसमें लगातार प्रयास करते दिखाई देते, उनका सामान भी मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं महिला अपराध घट जाता है। इस पर पर्यटकों पर विशेष, क्योंकि ताज नगरी पूरे विश्व में विख्यात है और यहाँ पर देशी और विदेशी सैलानी आते हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? टूरिज्म को लेके लगातार अभियान चलाया जाता है, लेकिन फॉर फीमेल टूरिस्ट हम लोग अलग से जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उन पे अभियान चलाएंगे। वुमेन सेफ्टी टीम वहां विजिट करेगी और वहां पर क्या कार्य योजना बनाई जाए जिससे महिला पर्यटकों को सुरक्षित महसूस हो, इसके लिए भी हम लगातार कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं, आगे भी करेंगे। कॉलेज हो या बाहरी हो या क्या नाम है, समाज के जो 5 साल की बच्ची से लेकर युवतियों तक को नहीं आगरा में छोड़ा जा रहा है, लगातार महिला शोषण के मामले आ रहे हैं देहात से लेकर शहर तक, तो इस पर विराम कैसे लगेगा? मुख्यमंत्री लगातार पुलिस अधिकारियों को, शासन के और मंत्रियों को, तमाम अधिकारियों को देते हुए दिखाई देते। कमिश्नरेट आगरा में इसको रोकने के लिए हमने एक पहल शुरू की है, वुमेन सेफ्टी टीम का गठन किया गया जैसे मैंने बताया, वो इन सभी घटना स्थल को विजिट करती है, वहां से एक ग्राउंड रिपोर्ट हम लेकर आते हैं और उस प्लेस को एज ए हॉटस्पॉट हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद ये ऑफेंस वहां रिपीट ना हो या वहां पर कैसे पुलिस की व्यवस्था की जाए, कैसे हम लोग पुलिस की विजिबिलिटी वहां बढ़ाएं, इसके लिए हम रिपोर्ट अपनी आगे बढ़ाते हैं। स्कूलों में देखे जा रहे आगरा पुलिस कमिश्नरी के तमाम अधिकारी और सीओ स्तर के अधिकारी और इंस्पेक्टर भी और आप भी खुद स्कूल में तमाम बच्चों के साथ में संवाद कर रही हैं, उसका कुछ असर दिखाई दे? There is a saying that prevention is always better than cure, but with respect to the issue of women's safety, what police can do, we can only make us visible and make the law enforced. But actually, अगर ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन करना है तो उसके लिए फैमिली, एजुकेशन सिस्टम, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ आना होगा, तभी हम कुछ बहुत होलिस्टिक चेंज ला सकते हैं। आपने वुमेन सेल को लेकर जो
मुख्यमंत्री ने और तमाम उत्तर प्रदेश के अंदर जो महिला सेल को लेकर तमाम अभियान चला रखे हैं, उसमें आगरा में अभी कभी कई अधिकारियों से हमने बोला भी है कि वुमेन सेल कहीं दिखाई नहीं देती है, तो उसको लेकर थोड़ा आप सक्रियता निभाएंगे। हाँ, विमेन सेफ्टी टीम हम लगातार मीडिया में भी इस चीज को अपडेट करते हैं कि विमेन सेफ्टी टीम ने कहाँ कहाँ पे विजिट किया। आप स्कूल्स में कॉलेजेस में जाएंगे तो वहां पे भी आप देखेंगे कि एंटी रोमियो की टीम वहाँ सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती है, महिलाओं को जन जागरूकता अभियान के थ्रू उनके साथ हो रहे अपराध के बारे में अवेयर किया जाता है, हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके अलावा और भी हमारे प्रयास रहेंगे कि पुलिस की और विजिबिलिटी लगे। मैडम, आपने टैकुंडो का प्रशिक्षण भी अपने महिला कर्मियों को दिया, उसका कुछ मिल रहा है आपको? सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए हमने अपने 90 पुलिस कर्मियों को ट्रेन किया था, विमेन पुलिस ऑफिसर्स को। वो जूनियर स्कूल्स में 6th से लेके 8th तक की महिलाओं को जाके सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती हैं। कई ऐसे केसेस हुए हैं जहां हमने गुड टच बैड टच की ट्रेनिंग दी जूनियर स्कूल्स में, और फिर बाद में उन्होंने अपने घर में जाके बताया कि हमें आज इस तरीके से बताया गया था। कुछ ऐसे केसेस भी हमारे सामने आए जहां उसको बाद जब बच्चे को हमारे महिला टीम के द्वारा ये बताया गया कि ये गुड टच बैड टच है, तो उन्होंने अपने घर में बताया कि हमारे साथ इस तरह की कोई वारदात या बैड टच की इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। तो इसका, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो जिसका इम्पैक्ट बहुत स्लो आता है, तो इम्पैक्ट धीरे धीरे आएगा, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा उसके रिजल्ट के लिए, बट आएगा। आगरा पुलिस कमिश्नरी में क्या जिस तरीके से आपने 2 दिन पहले ये सिविल ड्रेस में किया अभियान किया, तो आगे भी दिखाई देगा आपके अलावा और भी अधिकारी दिखाई देंगे इस तरीके से? हाँ, ये प्लान्ड अंडरकवर ऑपरेशन नहीं था, ये हमारा रूटीन का ऑपरेशन था जिसमें हम लोग जाके अधिकारियों के लेवल पे ये आदेश होते हैं, हमें सीपी सर से आदेश मिलते हैं कि जाके हमें प्राइवेट में और औचक निरीक्षण करने हैं, तो उसी के अंतर्गत मैं भी गई थी, मैंने भी निरीक्षण किया, आगे भी इस तरह के औचक निरीक्षण किए जाएंगे। आगे भी इस तरीके के औचक निरीक्षण दिखाई दे सकते हैं, ये कहना है एसीपी सुकन्या शर्मा का। अब देखना होगा जिस तरीके से आगरा में महिला का अपराध लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदीप रावत, उत्तर प्रदेश टाइम्स, आगरा। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।